गांधीनगर पब्लिक स्कूल के ऑडिटोरियम हॉल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा परीक्षा पर चर्चा 2022 विषय पर पांचवा संस्करण का सीधा प्रसारण बच्चों को दिखाने के लिए विशेष व्यवस्था की गई, जिसमें बड़ी स्क्रीन पर यह लाइव प्रसारण बच्चों को दिखाया गया। विद्यालय के बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने वाले 10वीं और 12वीं कक्षाओं के सभी छात्र छात्राओं के साथ साथ कक्षा 9 तथा कक्षा 11 के लगभग 600 छात्र छात्राओं ने इस अवसर का लाभ उठाया और बड़े ध्यान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को सुना और प्रेरणा हासिल की कि किस तरह से वह अपने बोर्ड परीक्षा 2022 के तनाव में घबराहट कम कर सकते हैं। 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों से सीधा संवाद छात्र छात्राओं की प्रेरणा का स्रोत बना और प्रधानमंत्री ने ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ाई की विशेषता को बताते हुए कहा कि ऑनलाइन को एक अवसर के रूप में समझना होना चाहिए और ऑफलाइन जीवन के साकार करने का प्रयत्न होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा, आजकल के बच्चे जितना मोबाइल कंप्यूटर के अंदर घुसकर होशियार हो रहे हैं, उसी तरह से आप अपने आप और अपने आप को समझाइए कि आप में क्या क्या प्रतिभा हैं और आप अपने भविष्य को किस तरह से और किस ओर ले जाना चाहते हैं। जीवन में आत्मचिंतन बहुत जरूरी है। परीक्षा एक बार होती है जिसमें आपको संस्था में लेना है। सभी छात्र छात्राएं एकदम शांत होकर पूरी तल्लीनता से प्रधानमंत्री की बातों को सुनते रहे और उनकी बातों से खुश होकर इस तरह तालियां बजा रहे थे जैसे वे साक्षात रूप से उनके सामने हों। प्रधानाचार्य शशि शर्मा ने प्रधानमंत्री की कई बातों को बच्चों से जीवन में अपनाकर तनाव से मुक्त जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। आपका कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? आज जो ये परिचर्चा चल रही है, इससे आपको क्या सीख मिलती है और क्या कहना चाहेंगे इसको? परीक्षा की चर्चा से हमें बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास मिलता है, परीक्षा के समय होने वाले तनाव से मुक्ति मिलती है और हमारे अंदर उत्साह जो होता है वो बढ़ जाता है। प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन पाके हमें बहुत सहायता मिलती है। एग्ज़ाम आ रहे हैं आपके आगे, तो किस तरीके से आप इससे मोटिवेट होंगी? प्रधानमंत्री जी द्वारा बहुत सारे तरीके बताए गए हैं तनाव कम करने के और उत्साह बढ़ाने के। थैंक यू। आज परिचर्चा की जा रही है, क्या कहना चाहेंगी और क्या इसका उद्देश्य रहेगा बच्चों के लिए? सर, इसका जो मेन पर्पस है, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो ये आयोजन किया जाता है हर साल, पिछले 5 सालों से हो रहा है, इसका मेन जो उद्देश्य है वो ये है कि हमारे जो बच्चे हैं वो एग्ज़ाम में स्ट्रेस फ्री रहें। और क्योंकि जब हमें बड़ों का आशीर्वाद भी मिल जाता है इसमें, जहाँ तक मेरा मानना है, जैसे अगर माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बच्चों को आशीर्वाद दे रहे हैं और उन्हें रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, ये मेरा मानना है। और एक बहुत अच्छा आयोजन सर के द्वारा किया जाता है कि सभी स्कूल, जितने भी बोर्ड्स हैं, जितने भी स्कूल्स हैं, सब इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सारे बच्चे, आप देख सकते हैं हमारे ऑडिटोरियम में सारे बच्चे, पेरेंट्स सब इसे बहुत खुशी के साथ, हर्ष के साथ इसे देखने आए हैं आज हमारे स्कूल में। और मुझे लगता है कि हमारे बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, स्ट्रेस फ्री होकर परफॉर्म करेंगे इस प्रोग्राम को देखने के बाद। थैंक यू जी मैम। आज ये जो परिचर्चा चल रही है, क्या कहना चाहेंगे आप, गार्जियन हैं आप? मैं ये कहना चाहूँगी, ये तो हमारे PM की बहुत अच्छी बात है, बच्चों को सपोर्ट करते हैं। उन्होंने कहा है कि परीक्षा को एक त्यौहार की तरह लेते हैं, इससे स्ट्रेस न, बच्चों को सपोर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। थैंक यू। कार्यक्रम कराया गया आज विद्यालय में और क्या उपलक्ष्य में? एक विशेष कार्यक्रम है हमारे बच्चों के लिए, जो हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज पूरे देश में आयोजित किया जा रहा है, परीक्षा पे चर्चा, जिसमें हमारे CBSE स्कूल्स जो ज़िले में हैं बहुत बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं और देश के सभी क्षेत्रों में बच्चे बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से बात कर रहे हैं परीक्षा से होने वाली तनाव को लेकर। क्योंकि परीक्षा एक ऐसी चीज़ है जो मन में बच्चों के डर पैदा कर देती है कि पता नहीं कैसे नंबर आएंगे, कितने नंबर से पास होंगे, पेरेंट्स हमारे रिजल्ट्स को कैसे लेंगे, अगर रिजल्ट खराब हुआ तो हम क्या करेंगे। कि जो अनसर्टेनिटी है मन में, एक दुर्भाव है और डर है, इसी से कोप अप करने के लिए आज प्रधानमंत्री जी बच्चों से चर्चा कर रहे हैं। एक बड़ा हेल्दी वातावरण है, पेरेंट्स भी आए हुए हैं, वो भी सुन रहे हैं प्रधानमंत्री जी को। उम्मीद है एक इससे बेहतर वातावरण बच्चों के लिए तैयार होगा कि परीक्षा को भी अपने जीवन का एक हिस्सा समझें और इसे इसी तरह एंजॉय करें जैसे जीवन में अन्य घटनाएँ होती हैं। तो ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आयोजित हुआ है, उम्मीद है इससे बच्चों को बहुत ही सरल लगेगा आगे की परीक्षाओं में शामिल होने। सभी बच्चों को, प्रधानमंत्री जी को,
मेरा धन्यवाद कि वो इस तरह से बच्चों के बीच में जुड़े, बच्चों के साथ उन्होंने बात की और उन्हें तनाव मुक्त किया और कर रहे हैं। ये आज 5th एडिशन है परीक्षा पे चर्चा का प्रधानमंत्री जी का, जो बहुत ही लाभवर्धक होगा बच्चों के लिए। सबको मेरी शुभकामनाएं।